नमस्कार दोस्तों, जनरल एसटी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे दोस्तों बिहार स्टेट परीक्षा 2020 11 सितंबर को समान ज्ञान का जो प्रश्न आया, जीके का जो पूछा गया है प्रश्न दोस्तों, आज वो वीडियो में देखेंगे दोस्तों, और देखेंगे क्या टॉपिक रहा, कितना से कितना क्वेश्चन यानी किस रेशियो में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों, जो पूछा गया था आज जीके का जो क्वेश्चन था, पूछा गया था दोस्तों, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है हमें, बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा। आप लोग से इसलिए कह रहे हैं बताइए क्योंकि आप अपना स्कोरिंग कर पाइएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और लास्ट में अपना स्कोरिंग कमेंट बॉक्स में जरूर से ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि हम देख सकें कि आप कितना स्कोर ला रहे हैं। साथ ही आप यदि बताते हैं तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या कर पाइएगा, अटैम्प्ट कर पाइएगा और अच्छे अंक ला सकेंगे। चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था। तो इसका बंगाल का विभाजन जो किया था, लॉर्ड कर्जन साहब ने किया था। कौन किया था, लॉर्ड कर्जन साहब। किस वायसराय ने, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर ए नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में। आज के एग्जाम में पूछा गया था आरटीआई अधिनियम कब लागू किया गया, यानी आरटीआई अधिनियम जो है दोस्तों वो कब लागू किया गया था, बताइए आप लोग। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर वन दिया गया था 1 अप्रैल 2010 को, बी में दिया गया था 1 अप्रैल 2011 को, सी में दिया गया था 2 अप्रैल 2010 को, डी में दिया गया था 2 अप्रैल 2011 को। आप लोग ही बताइए क्या होगा इसका आंसर। इस वीडियो में हम आपको पूरा हल के साथ बताएंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर बताएंगे दोस्तों, जो पूछा गया आज का प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का उत्तर साथ में हम बताएंगे। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी 1 अप्रैल 2010, यानी आरटीआई अधिनियम जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। कब किया गया दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को आरटीआई अधिनियम लागू किया गया था, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। दोस्तों इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे जनरल एसटी ग्रुप के चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और साथ में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही यह कहना चाहेंगे दोस्तों, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ जरूर से ज़रूर शेयर करें, या रीजनिंग हो या मैथ हो, हम उसका क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे दोस्तों। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, कोई प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन बनाते हैं, कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को शेयर कीजिए, ताकि हम आपको या हमारे चैनल के माध्यम से आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिले और आप आसानी से उस क्वेश्चन को समझ पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था आज के एग्ज़ाम में। आज का एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे था, बताइए आप लोग। इसके लिए दिए गए थे चार ऑप्शन दोस्तों, ए में था बंगाल विभाजन से, बी में असहयोग आंदोलन से, सी में सविनय अवज्ञा आंदोलन से, डी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन से, यानी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का संबंध जो है बंगाल विभाजन से है था। किससे था, बंगाल विभाजन से था, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बंगाल विभाजन से। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था दोस्तों, आज जो पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन था, मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे। क्या था, मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे,
ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो ए में है वीरेंद्र कुमार घोष, बी में है दामोदर चेपीकर, सी में है वी डी सावेरकर, डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वी डी सावेरकर, यानी मित्र मेला के संस्था के संस्थापक का संबंध वी डी सावेरकर से था। किससे था दोस्तों? वी डी सावेरकर। किससे? वी डी सावेरकर। दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, किसी एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, या इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में। 5 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों जो पूछा गया है आज का। अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? एक में है अवध बिहारी, बी में है जतिन दास, सी में है वी डी सावेरकर, डी में है इनमें से कोई नहीं। यानी अभिनय भारती नामक क्रांतिकारी संगठन का जो स्थापना हुआ था उसको किसने किया था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है आज के एग्जाम में। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अभिनय भारत नामक क्रांति संगठन की स्थापना भारत सेना के सेनानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने किया था। कौन किया था दोस्तों? भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने किया था। तो इसमें नहीं है उसका नाम, जो कि इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि इसमें रहता क्या रहता, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने की थी, तो ये हो सकता था आंसर सही, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। या इसके बदले रहता रमेश उपाध्याय, तो दो नाम है रमेश उपाध्याय और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने मिलकर क्या किया था, भारतीय सेना सेवानिवृत्त अभिनय भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था। कौन कौन? मेजर रमेश उपाध्याय और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम एक प्रश्न पूछते हैं सभी वीडियो में। तो आज का मेरा प्रश्न है दोस्तों, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, आपको बताना है। ये आज का मेरा प्रश्न है। इसके लिए मिलते हैं आपको 4 ऑप्शन। ए महात्मा गांधी, बी सरदार भाई वल्लभ पटेल, सी है चंद्रशेखर आज़ाद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दे दोस्तों, और अपना स्कोर भी ज़रूर से दो, ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ कमेंट करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।